नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Poco X6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A25 5G में 6.34 इंच जबकि X6 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A25 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि X6 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि X6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि X6 5G में 181.2 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A25 5G में सुपर AMOLED जबकि X6 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19.5:9 जबकि X6 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A25 5G में 6.5 इंचेस जबकि X6 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A25 5G में 1080x2340px FHD जोड़ और X6 5G में 1220x2712px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि X6 5G में 90.05% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A25 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि X6 5G में 446 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A25 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X6 5G की बात करें तो उसमें 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A25 5G में माली G68MP4 जबकि X6 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A25 5G में Samsung Exynos 1280 और X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है जबकि X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB, 12 GB, 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256 GB, 256 GB, 512 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A25 5G में अप टू 1 TB जबकि X6 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A25 5G में Android V14 जबकि X6 5G में Android V13 देखने को मिलती है।
बैटरी A25 5G में 5000 mAh जबकि X6 5G में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,490 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X6 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको X6 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X6 5G आगे है, मेन कैमरा में X6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको X6 न्यू 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।